प्रकृति को हरा भरा बनाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब सभी प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मूंदी रोड सोनी गोडाउन के पास, खंडवा। नमस्ते भैया, वो रामेश्वर पुलिया की वीडियो डाल रहे हो आपको? हाँ, ये जो बनी थी ना नई, ये जो नई पुलिया बनी थी ना, ये पूरी उफान पे बह रही है। हाँ, बहुत पानी आ गया। तीन पुलिया का नज़ारा तो हमने आपको दिखा दिया, सोचा रामेश्वर पुलिया का नज़ारा भी दिखाए। वहाँ पर से गुजर रहे एक सज्जन ने ये वीडियो भेजा। रामेश्वर पुलिया का ये नज़ारा देखकर हम दंग रह गए। रामेश्वर पुलिया खंडवा में काफ़ी चर्चा का विषय था, क्योंकि खंडवा की इस रामेश्वर पुलिया के नीचे से गुजरने वाला 10-11 फीट का वाहन भी पुलिया से टकरा रहा था। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के हस्तक्षेप के बाद इसमें सुधार हुआ, पुलिया को नीचे कर दिया गया, उसको स्लोप में बना दिया गया। लेकिन अब उसका दुष्परिणाम ये है कि वहाँ से पानी काफ़ी ज़्यादा बह रहा है और तीन पुलिया जैसी स्थिति भी रामेश्वर पुलिया में दिखाई दे रही है। हालांकि इसका जो एक पोर्शन है उधर से लोग निकल पा रहे हैं, लेकिन दूसरा पोर्शन पानी से भर गया है। इस स्थान से भी हमारा निवेदन है कि आप लोग ना निकलें। दोनों तरफ से तेज़ गति से पानी पुलिया के अंदर खासकर इस हिस्से में जा रहा है जो नीचा है, और वहाँ से निकलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है, रिस्की वहाँ से निकलना हो सकता है। आप उस पोर्शन से निकलें जहाँ पर पानी नहीं भरा, इस पोर्शन से ना निकलें जहाँ पर पानी भरा हुआ है। और वर्तमान में खंडवा शहर में पानी गिर रहा है, पानी के अलावा खबर भी नहीं है। तो ऐसे में खंडवा शहर की परिस्थिति क्या है वो हम आपको घूम घूम कर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो रामेश्वर पुलिया है उसकी स्थिति ये है, देखकर आपको तीन पुलिया और इसमें कोई अंतर नजर नहीं आएगा। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मूंदी रोड सोनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।